और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने एक नई सोच को सबके सामने रखा है। सेशन कोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में मीडिएशन अवेयरनेस को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्टूडेंट और टीचर्स भी मीडिएटर बन सकते हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और दी बार एसोसिएशन जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में मीडिएशन अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेशन कोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में आयोजित हुए इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट रहे। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद मुख्य न्यायाधीश का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। इसमें मुख्य न्यायाधीश ने अपने विजन को सबके सामने रखते हुए ये साफ कर दिया कि वे बड़े बदलाव के पक्षधर हैं। अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने भगवान श्री कृष्ण से लेकर राजस्थान के खुद के जुड़ाव, अधिवक्ताओं से लेकर बार और बेंच के रिश्तों पर खुलकर अपनी बात रखी। वहीं मध्यस्थता को लेकर राजस्थान में किए गए प्रयासों की सराहना भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने पेंडेंसी और मध्यस्थता के लिए बार से सहयोग का आह्वान भी किया। मैं तो बिल्कुल इनसे पिछले स्पीकर से सहमत हूँ कि हम सब एक हैं, बार और बेंच में कोई फर्क नहीं है। आलूवालिया साहब ने एक बात कही, मेरी बात यह है कि अगर कुछ लक्षण या गुण हम दोनों में कुछ गलत है तो वो पूरी सामाजिक समस्या है। हम एक किस्म के दूध जो पतीले में होता है वो एक होता है, तो ये नहीं बोल सकते कि इस पार्ट में आपको पॉइजन है या विष है। तो दूध जैसे भी है हम हैं, और हमारी ये प्रयत्न होनी चाहिए कि हमारी जो भी समस्याएं हैं आपस में मिलके और मध्यस्थता अपने आप ही करें और उसको सुलझाएं। कार्यक्रम के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद रफीक, हाईकोर्ट मध्यस्थता कमेटी के चेयरमैन जस्टिस के एस अहलूवालिया, जस्टिस प्रकाश गुप्ता, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार सतीश शर्मा, डीजे एस के जैन, डीजे जिला मदन गोपाल व्यास, जयपुर बार के अध्यक्ष राजेश कर्नल, महासचिव नरपत सिंह सहित जयपुर महानगर के न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस के एस अहलूवालिया ने पिछले 6 महीने में मध्यस्थता केंद्र में किए गए बदलाव और उससे आए नतीजों की जानकारी दी। मध्यस्थ जो हमारे पास ट्रेंड मीडिएटर्स हैं उनको 40 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी देखें तो यहाँ पर एडवोकेट्स मीडिएटर्स की संख्या बहुत नगण्य है। मात्र 22 अधिवक्ता गण से जिन्होंने मीडिएटर्स की ट्रेनिंग ले रखी है, और उसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट मेट्रो से भी कहा है, हमारे मेंबर सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी कहा है कि इसकी संख्या कम से कम 50 और अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दिलवाए। जो मैं आग्रह करूँगा और आह्वान करूँगा वरिष्ठ अधिवक्ता गण का कि वो इस मामले में अपनी रुचि लें, अपना कुछ समय निकालें और मध्यस्थता के अभियान से जुड़ें। मीडिएशन का इंचार्ज बनते ही मुझे महसूस हुआ कि हमारी मीडिएशन की कोई भी कोशिश पूरी नहीं हो सकती जब तक बार का सहयोग ना हो। मीडिएशन भेज भी दें तो वकील बाहर से ऐसी चुटकी लेता कि अंदर जाते ही मीडिएशन फेल हो जाती। तो इसलिए ज़रूरी था कि मीडिएशन में इन्वॉल्व करने के लिए एक कुछ समझने का, कुछ समझाने का कोई कार्यक्रम किया जाए। चीफ साहब मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हमने राजस्थान हाईकोर्ट में बार के सहयोग के साथ एक बहुत बड़ी गोष्ठी की, और वो गोष्ठी की कामयाबी ये हुई कि हमारा अब सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है। मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र ने अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपना विजन भी सामने रखा। मध्यस्थता को लेकर दिए गए उनके तर्क से न केवल न्यायिक अधिकारी बल्कि कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ता भी खासे प्रभावित नजर आए। उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्थान में बढ़ते मामलों की पेंडेंसी को कम करने में उनकी ये पहल सफल होगी। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।